इस इस Soil card, जितनी भी सिंचाई योजनाएं गिनवाई और उन सब से किसान लाभान्वित हो गए तो फिर ये कर्ज माफी की जरूरत आ, क्यों और ये एमएसपी uh, को बढ़ा दिए जाने की जरूरत क्यों चुनावी राज्यों में बिजली मुफ्त दिए जाने की uh, फिर जरूरत क्या जब एम्पावर हो गया किसान बिल्कुल एम्पावर हो गया है खुदकुशिया दुग्नी हो गई है आय तो दुगनी नहीं हुई आज महाराष्ट्र में हर दिन सात किसान आत्महत्या कर रहे पूरे देश में तीस के किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं ये हमारा इसमें उपलब्धि है कि किस तरह की ये योजनाएं आप एक कर रहे हैं एमएसपी के बारे में जो कहा जा रहा है 2100 से 2700 कर देंगे 5000 कर देंगे अरे आप खरीद कहाँ रहे हैं पंजाब हरियाणा छोड़ के कहा प्रोक्यूरमेंट होता है कहा दलहन तिलहन कहा प्रोक्यूर हो रहा है चना पिछले दो साल से एमएसपी के नीचे जा रहा है महाराष्ट्र में आज के नीचे। कहा का खा 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 खरीद हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से ये तो बस चुनावी जुमले है देवेंद्र जी ने जो कहा कि इनको पेंडिंग होना चाहिए अगर एक साल में ये जिन्होंने जो डिक्लेयर किया है उनके मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो उस सरकार ने स्टेप डाउन करके के साथ मन को जगाओ वी वाटर वॉटर हीटर्स के संग वी फिर से चुनाव लड़ने चाहिए और इनको फिर से चुनाव लड़ने का भी ये हकने होना चाहिए इस तरह का अगर रिफॉर्म हो तो ही ये करेंगे आज कुछ भी देंगे तो ने? ये सब और मुझे एक बात कहनी है कि मैं सिर्फ बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा हूं जब से आजादी मिली है तब से किसानों का शोषण शुरू हुआ है वो हमारे फोर्थ सेकंड इसमें आप पंचवार्षिक योजना होते प्लान होता है उसमें साफ तरीके से लिखा है कि अगर उद्योग जगत को बढ़ावा देना है तो कृषि उपज के दाम कम रखने पड़ेंगे किसान के फैमिली का लेबर उसमें अगर हम पकड़ते हैं एमएसपी में तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है ऐसा लिखा है लिखित पॉलिसी कांग्रेस की थी लेकिन सरकार अनिल जी एक सवाल यह भी तो बनता है कि कर्नाटक में हिमाचल में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की तो सत्ता में वापस आ गए तो फिर एक आसान रास्ता समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफी की घोषणा कर दो तो क्या यह शॉर्ट टर्म तरीका है क्या? कर्ज माफी की आ, गरिमा जी किस कर्ज माफी की बात कर रहे हैं आप पूरे देश के इस पूरे किसानों का बकाया कर्जा सिर्फ छह लाख चालीस हजार करोड़ है टाटा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट कहता है और 2014 से दो तक 22 उद्योगपतियों को 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है 25 लाख करोड़ तो यह हालत है किसानों को आप भीग दे रहे हैं और इन लोगों को चोरी छुपे और जो भी थोड़ा देता है इतना बवाल करते कि हमने किसानों के इतना बड़ा एहसान किया और इन लोगों को जो मुनाफे में चल रहे हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जिनकी गिनती हो रही है उनको आप माफ कर रहे हैं और किसान जो मर रहा है खुदकुशी कर रहा है उसके लिए कुछ आप, आपके पास कुछ नहीं है ये जो योजना है और बीमा की उन्होंने इंश्योरेंस की बात की अरे इंश्योरेंस के लिए तो महाराष्ट्र में रोज किसान धरने धर रहा है रास्ते पे उतर रहा है कि उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है वो मिलने के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है ये कैसा इंश्योरेंस है और मुझे तो ताजु होता है ये लोग इतनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं कि किसान बहुत खुश है मैं गांव गांव में जाके देख के आ, जा, आ जाओ गाँव में महाराष्ट्र में आ जाओ और देख लो हालत क्या है किसानों की एक तो अकाल के अकाल का सामना कर रहे हम यहां पर किसी भी उपज को दाम नहीं है ना सोयाबीन को दाम मिल रहा है ना गन्ने पे अभी आपने ये लगा रखी है। लगा चीनी पे एक्सपोर्ट बैन के रखा है सात कमोडिटीज का कमोडिटी मार्केट में से बैन कर दिया है चना पे आ, इंपोर्ट चने का इंपोर्ट हो रहा है अरहर इंपोर्ट हो रहा है गेहूं और चावल भी एक्सपोर्ट बैन है और किसान कमाएगा कैसे कमाएगा कब कर और कर्जा चुकाएगा कैसे आप हमारा कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं कर्जा चुकाने के लिए हमारे जेब में पैसा आने दो बस कुछ करने ये, की ये, जरूरत ये कैसे होगा ये दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड